चलिए तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेटल पाथ। तो कब खत्म होगा ये कोरोना कर्फ्यू, और क्या 1 जून से मध्य प्रदेश पूरी तरीके से खुल जाएगा? कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि इस टॉपिक पे सर आप एक वीडियो बनाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं कि ये स्थितियाँ कब नॉर्मल होंगी, उसके बाद में कोरोना कर्फ्यू जो है वो कब तक चलता रहेगा, और कुल मिला के कब तक हमको अपना जीवन जो है इसी तरीके से व्यतीत करना होगा, गुजारना होगा। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा वीडियो जो है इसके ऊपर बनाया जाए, और जो भी तथ्य हैं हमारे सामने उसके आधार पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये जो कोरोना कर्फ्यू है वो खत्म होगा, और क्या सच में 1 जून से मध्य प्रदेश पूरी तरीके से खुल जाएगा। जो अभी बहुत जगह पे आप न्यूज़ कह लो, रूमर कह लो, या जो भी कह लो, ये चल रहा है। तो वही स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये है कि कब तक कोरोना कर्फ्यू जो है वो खत्म होगा। सबसे पहले जो धारा 144 है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सोशल गैदरिंग या एक स्थान पे 3-4 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा होके समूह नहीं बना सकते, ये कर्फ्यू की स्थिति में आमतौर पे देखा गया है। लेकिन महामारी की सिचुएशन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से गुहार की कि अपने लेवल पे आप कोरोना कर्फ्यू लगाएं, और जिसमें बढ़ चढ़ के मध्य प्रदेश की जनसंख्या ने भाग लिया, तो पहले कोरोना कर्फ्यू लगा क्यों हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, फरवरी तक भी सिचुएशन आप लोगों को पता है नॉर्मल थी, लेकिन मार्च में एकदम से एक स्पाइक दो जो है वो देखने को मिला कोरोना वायरस का, और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जो है ये फैल जाएगा या फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसके चलते आप देखेंगे कई राज्यों ने लॉकडाउन का डिसीजन लेने की सोची, बट पिछली बार लॉकडाउन हुआ आप लोगों को पता, उससे कितनी आर्थिक हानि हुई हम लोगों को, इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत सारे हुए। तो इस बार ज़्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने कर्फ्यू को कड़ाई से पालन करने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए प्रशासन को, और उसमें मध्य प्रदेश ने भी कोरोना कर्फ्यू जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब जब कोरोना कर्फ्यू लगा तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहे होंगे। तो जो पहला रीज़न था कोरोना कर्फ्यू का, वो था कि इन्फेक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मतलब जो कोरोना इफेक्टेड लोग थे, और चूंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला, इस वजह से जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया मध्य प्रदेश के अंदर। आप सभी लोगों को पढ़ा है आप लोगों ने, सभी लोगों ने, और आप सभी लोगों को पता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ है, तो कोई छोटी मोटी भी जनसंख्या नहीं है, और इन्फेक्शन रेट तेज़ी से बढ़ा, ये एक पहला कारण था जिसकी वजह से हमने कोरोना कर्फ्यू लगाने की सोची, या जिसको कड़ाई से पालन करने के दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए। दूसरा जो आप कह सकते हो एक रीज़न है, वो है पॉजिटिविटी चेंज। देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कोई एक व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मतलब आप लोगों को एक अवेयरनेस के फॉर्म में ये भी बता दूं मैं कि कल को ही अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, सेल्फ आइसोलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और कांटेक्ट ट्रेसिंग आप स्वयं की करें कि भाई आप किससे मिले, आप उससे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, या उसको आप जो है गाइडलाइन दे सकते हैं कि भाई अभी अभी मुझे पता लगा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, तो आप भी अपना एक बार चेकअप करवा लें। इसको बोलते हैं हम लोग कि आपने खुद की मॉनिटरिंग कर ली और सेल्फ आइसोलेट होगा। अब इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो है ज्वाइंट फैमिली है, घर छोटा है, तो सेल्फ आइसोलेशन की जगह नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वो खोल रखे हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं सरकार की सहायता से।
तुम इन्फेक्शन हो जाना और पॉजिटिविटी की चेन बना देना, दोनों अलग अलग चीजें। आप इन्फेक्टेड हो गए, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिए, आपने कांटेक्ट ट्रेसिंग करी, तो आपने उस संक्रमण को वहीं रोक दिया। लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, या आप कह सकते हो कि इसे आपने नज़रअंदाज कर दिया, आप किसी और से मिले, वो व्यक्ति किसी और से मिला, और इस तरीके से पॉजिटिविटी की जो चेन है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जो हुआ भी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए था और आगे भी हमको रखना चाहिए, जिसकी वजह से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हर जगह, केवल मध्य प्रदेश राज्य में नहीं, हर जगह मास्क का गलत तरीके से पहनना। अगर मास्क पहना है तो आधा पहना है आधा नहीं पहना है। उसके बाद में सैनिटाइजिंग की जो प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता होगा कि इतने लापरवाह हम लोग हो गए थे कि काहे का सैनिटाइजेशन, काहे का क्या। सब लोगों ने, हम लोगों ने, आप कह सकते हो कि एक चीज़ों को नज़रअंदाज करना लगभग आप बोल सकते हो स्टार्ट कर दिया। वॉशिंग हैंड्स, आप लोगों को पता होगा कि एक ऐड आता था कि तेरा बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या, तो बंटी बोल बोल के थक गया कि 30 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। अब बंटी ने बोलना बंद कर दिया। तो मास्क की जो प्रॉब्लम है, सैनिटाइजिंग की जो प्रॉब्लम है, और वॉशिंग हैंड्स, जिसको हाथ धोने की हम लोग बोलते हैं कि 30 सेकंड तक हम लोग हाथ धोना है, तो ये एक समस्या देखेगी, जिसकी वजह से प्रदेश के अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। अब सबसे बड़ा झमेला ये है कि सर ये सब ठीक है, लेकिन ये खत्म कब होगा, है ना, उसके ऊपर अपन बात करें। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं कड़ी दर कड़ी इस चीज़ को जोड़ते चलूंगा, और आखिरी में अपन एक निष्कर्ष भी निकालेंगे। कुछ सजेशंस भी मैंने रखे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड भी करेंगे। अब वर्तमान मौजूदा सिचुएशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में हम लोग जो हैं 20 मई में बैठे हैं, और जो सरकार के पास जो डेटा है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं निकाला है, वो है 14 मई का। अब 14 मई की जो रिपोर्ट है, और उसके आधार पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अभी भाषण दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो एक्टिव केसेस की कुल संख्या है ना, कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है, अगर आप देखेंगे तो। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम लोग देख लेते हैं कि 14/5 को प्रदेश में कुल, है ना, रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए वो कितने हैं, तो वो 11,671। संपूर्ण प्रदेश में अगर हम लोग देखेंगे तो 1,736 फीवर क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जिसमें बुखार, सर्दी, खांसी रोगियों के लक्षण जो है उनको पहचाना जाता है, और उनके जांच के सैंपल एकत्रित किए जाते हैं, मतलब जिसको हम लोग सैंपल टेस्टिंग बोल रहे हैं। और दिनांक 14 तक इनके पास में जो सैंपल रिपोर्ट है वो है 8650770। अब बात आती है कि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिपोर्ट जो है कितनी, तो लगभग 8,887 तो पॉजिटिव रिपोर्ट। और पॉजिटिव आना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्ट। उसके बाद में नेगेटिव रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो है 60264, जो कि ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो। और कुल जो रिजेक्टेड, कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं चीज़ें, तो वो मिल जाएगी आपको 1,366। अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉजिटिविटी का जो प्रकरण है, प्रतिशत में अगर हम लोग आंकते हैं, इसको मेजर करते हैं, तो ये 11.8 है। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग पीक पे थे तो 28%, 27%, 30% भी ये था। तो इसे प्रदेश सरकार जो है वो 11.8% पे लेके आ गई है, जो कि आप बोल सकते हो एक अच्छी अचीवमेंट है अपने आप में। ठीक है, तो वर्तमान का जो परिदृश्य है, प्रेजेंट सिनारियो जो है, वो तो ये बता रहा हम लोगों को कि हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 11.8%। पॉजिटिविटी रेट क्या, मैंने आप लोगों को बता दिया, संक्रमण की जो दर है जो पॉजिटिविटी की वजह से बढ़ी है। अगर ये और कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग कोरोना कर्फ्यू जो अभी आपको पता है कि आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, अगर हम लोग इसका कड़ाई से पालन करते हैं तो ये और नीचे आएगी, क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी प्रॉपर, है ना, जो आप कह सकते हो कि सैंपल रिपोर्ट्स हैं वो लिए जाएंगे या सैंपल्स लिए जाएंगे, उससे और कितने संक्रमण आ रहे हैं वो उनको वहीं पे आइसोलेट करके उनको ठीक कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे आप कह सकते हो कि ये संक्रमण की दर को हम लोग और
कम कर लेंगे, ऐसा मेरा भी अंदेशा है। अब अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और 1 जून के बाद फिर से खुलेंगे मध्य प्रदेश। तो ये हमारा एक प्रश्न भी कि सच में खुलेंगे। तो देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोग ये 11.8% की दर को और कम कर देते हैं, और जो साइंटिफिक पैमाना है वो ये बोलता है कि किसी भी संक्रमण की दर को अगर हम 5% या उससे कम कर देते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि हमने उस संक्रमण के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मतलब वो अब हमारे हाथ में है। अभी क्या है, अभी समस्या ये थी इसके पहले तक कि संक्रमण की दर इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और स्वास्थ्य सिस्टम भी आप लोगों को पता है कोई खासा खासा अच्छा था नहीं हमारा। ठीक है, एक छोटे से बीकर में अगर आप पूरी बाल्टी भर के पानी डालोगे तो ओवरफ्लो तो होगा ही, बस यही सिचुएशन जो है बहुत सारे लोगों ने देखी, स्वास्थ्य की जो स्थितियां थी वो। तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना ये बोलता है WHO के आधार पे कि किसी भी संक्रमण की दर को अगर हम 5 या 5% से कम कर देते तो हमने उसको कंट्रोल कर, और अगर प्रदेश के अंदर हम लोग 31 मई तक 5 या 5% से कम कर देंगे तो उन जिलों को जो है धीरे धीरे WHO की गाइडलाइंस के आधार पे क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा पूरी तरीके से फुल लॉकडाउन नहीं है अभी भी, अभी कोरोना कर्फ्यू में आपको पता होगा 25 से 30% जो है ना चीज़ें खुली हुई हैं, मतलब अगर 100% है या 100 चीज़ें हैं या 100 लोग हैं तो उसमें से 25 से 30 या 25 से 35 लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग घर पे बैठे हैं, तो बचे लोगों को तो छोड़ना होगा। तो फिर ये 25 से 30% को बढ़ा के जो है धीरे धीरे क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, वो जो है कैबिनेट तय करेगा, स्टेट कैबिनेट तय करेगा, और WHO की गाइडलाइन के आधार पे होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 जून हो गया, फिर उसके बाद में मास्क वास्क आपने सारे फेंक दिए, सैनिटाइजर जो है वो फेंक दिया अपने साथ का, ठीक है, उसके बाद में कोई हैंड वॉशिंग नहीं चल रही, बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना है। अगर आने वाले समय में हम फिर से ऐसा दौर नहीं देखना चाहते हो, तो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई भी उस दौर को फिर से नहीं देखना चाहता होगा और महसूस करना चाहता होगा, तो क्या करना होगा हमको। देखिए, बीमारी जो है वो नॉर्मली ठीक की जा सकती है अगर हम कुछ चीज़ों का कड़ाई से पालन करें तो, जिसके लिए सरकार भी दिशा निर्देश आप लोगों को दे रही है, और आज मैं भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि ये समस्याओं को आप कैसे जो है आप इससे डील कर सकते हो। सबसे पहले तो कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से हमको रोकना है, पॉजिटिविटी की दर जो है उसी से कम होगी, तो लक्षण को पहचान लेना है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में अगर तकलीफ आ रही है, तो ये लिटरली जो है वो आप कह सकते हो कि कोरोना संक्रमण के क्या है लक्षण है। इससे भी घबराना नहीं है, अगर आप सेल्फ आइसोलेट हो जाओगे, प्रॉपर मेडिसिन ले लोगे तो आप घर में ठीक हो सकते हो, पहली चीज। दूसरा कि वायरस संक्रमण से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, बहुत नॉर्मल से उपाय, और मैं तो कहूँगा कि देखो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है स्वच्छ भारत मिशन पे, है ना, अभी आप देखेंगे कोविड के सिचुएशन में, है ना, तो मेरा तो मानना है कि अगर आसपास के आप 5 मीटर का दायरा अपने आपका साफ रखोगे तो स्वच्छ भारत मिशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बात स्वच्छ भारत मिशन की हो या अभी आज कोविड से लड़ने की हो, सबसे पहले तो हमको अगर हम बाहर कहीं जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, है ना, संक्रमण होने के चांसेस हैं, तो आप घर पे आते ही सबसे पहले आपका हाथ जो है वो धोएं और नियमित रूप से जो है आप इसकी, है ना, पालन करें इस चीज़ का, लगभग 30 सेकंड तक आपको उसको धोना ही धोना है। हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें, हमारा जो है हिंदू धर्म है और हम लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करना सिखाता है, और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। कुल मिला के कोशिश करें जब ये 1 जून के बाद में स्थितियाँ नॉर्मल भी हो जाएं तो अनावश्यक यात्रा ना करें कि अरे बहुत दिन हो गए यार घूम के नहीं आया, चलो चाट चौपाटी चलते हैं। वैसे भी इंदौर के लोग जो है थोड़े से खाने पीने के मामले में होते ही हैं, तो 1 जून हुआ और बाहर भागने लगे तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर से अगर दुर्घटना ये बढ़ गई तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। उसके बाद में सावधानी रखें, कोरोना वायरस से बचना है आपको, खांसी बुखार सांस लेने में परेशानी होती है तो शासकीय चिकित्सा ऊपर ये नंबर दे रखे हैं, ये
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जारी किए गए नंबर हैं, जिसमें आप 104 डायल करके अधिक संपर्क या जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जो है जारी किए गए दिशा निर्देश हैं, जिससे आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को, हमारे समाज को और हमारे प्रदेश को इस महामारी से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक किल कोरोना अभियान भी चल रहा है। किल कोरोना अभियान के तहत आप देखेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, जो आशा वुमेन्स होती हैं, है ना, उनको घर घर भेजा जाएगा, और अगर आपको ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो आप उनको बताएं, है ना। बताने से डरे नहीं, क्योंकि जैसे आप बताएंगे तो वहीं पे आप लोगों का ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो अगर कल कोई कोरोना होता भी है तो उससे दूसरे को खतरा नहीं होगा। तो किल कोरोना अभियान जो है ये घर घर पहुंच है, अगर व्यक्ति नहीं जा पा रहा डर के मारे तो प्रदेश सरकार ने जो है आपके घर पे ही जो है किल कोरोना अभियान के लिए लोगों को पहुंचा दिया। तो इसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तब जाके हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत पाएंगे। अब एक नई, आपने फंगस का नाम सुना होगा, जो कि कोरोना से ही इन्फेक्ट होने वाले लोगों को हो रहा है, ब्लैक फंगस, इससे भी काफी लोग जो है घबरा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सिम्टम्स जो आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको हैं, अच्छा वो भी कोरोना होने के बाद, तो ब्लैक फंगस जो है वो आप कह सकते हो आपको बीमारी है, और उसके लिए भी सरकार ने जो है प्रॉपर अलग से, आप कह सकते हो कि जो जांच विभाग बनाया हुआ है, डॉक्टर्स हैं उसके लिए, ये भी संक्रमण ऐसा है, ये भी इन्फेक्शन ऐसा है कि अगर हो जाता है तो आपको इससे राहत मिल जाएगी, अगर प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट मिल गया तो। जैसे पेन होना आंखों के अंदर, है ना, रेडनेस होना, फिर उसके बाद में अराउंड द आई आपको दिख रहा होगा पहला वाला इमेज, ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा जो है कि फीवर आना बहुत तेज, उसके बाद में हैक्टेक होना, है ना, कफिंग, उसके बाद में आप कह सकते हो कि सांस लेने में परेशानी, है ना, ब्लड होना आना, और ऑल्टर मेंटल स्टेटस जो है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है आपके इसके हैं, ब्लैक फंगस के हैं। अगर ये होते हैं तो आप जल्द से जल्द आपके डॉक्टर को जो है दिखाएं, और इस इन्फेक्शन से जो है आप बिल्कुल राहत पा सकते हैं, यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर नहीं। अब जो हमारे प्रश्न थे कि क्या ये कोरोना कर्फ्यू खत्म होगा, तो कोरोना कर्फ्यू बिल्कुल खत्म होगा। मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से इसको खत्म किया जाएगा, 11% और 5% वाली बात मेरी आपको याद होगी। दूसरी चीज की क्या 1 जून तक ये प्रदेश जो है खुल जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जिन प्रदेशों में, सॉरी, प्रदेश के जिन जिलों में 5 या 5% से कम दर हो जाती है पॉजिटिविटी की, तो उनको खोल दिया जाएगा, और बाकी को फिर वही कोरोना कर्फ्यू से कड़ाई से पालन करेंगे, जो बॉर्डर से उनको सील करके रखेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट वहाँ पे कम होगा, जो पॉजिटिविटी पॉजिटिव चेन जो है, पॉजिटिविटी की जो चेन है वो कम होगी, तो उनको भी वापस से खोल दिया जाएगा। तो हाँ, 1 जून तक प्रदेश खुल सकता है, लेकिन कुछ जिले खुल सकते हैं, कुछ जिले जो है हो सकता है कि वो अगर अधिक संक्रमणित हो तो वो ऐसे ही रहेंगे। अब कुछ सजेशंस हैं जो मुझे लगता है ये मेरे खुद के सजेशन हैं, ओपिनियन हैं, जो हमें करना चाहिए। पहला ये कि जो पॉजिटिविटी की जो चेन है आपको और मुझे, उसको तोड़नी होगी। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो अपना संक्रमण अपने पास रखे, किसी और को ना दे, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। दूसरा कि अवेयरनेस कैंपेन जो है मेरे हिसाब से आज की कंडीशन में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, अंडर एस्टिमेट करके इन चीज़ों को चल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हमारी तो इम्यूनिटी ऐसी मजबूत है। देखिए, अच्छी बात है आप गांव में रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो जिसको आपने संक्रमण दिया तो उसका भी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो गांव गांव तक जो है हम लोगों को, चाहे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपके जो गांव हैं उनके लोगों को आप बताएं कि किस तरीके से आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को और अपने गांव को इन्फेक्ट होने से रोक सकते हो। आपने बिहार का और यूपी के गांव की हालत आपने देखी होगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरा प्रदेश जो है उसके गाँव की भी हालत हो। तो गाँव गाँव तक हमको सबसे पहले जो है ये अवेयरनेस कैंपेन पहुँचाना होगा कि किस तरीके से हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, सबसे पहले तो, है ना, और बिल्कुल भी दूसरे आडंबरों में नहीं फंसना है। और लास्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेट करवाने से आप स्वयं को बिल्कुल भी ना डरें, ये आपके, आप कह सकता हूँ कि आपके फायदे के लिए ही है। कल को अगर आपको संक्रमण हो जाता है तो पहली चीज तो आप उस संक्रमण से बच जाओगे, और दूसरा वो संक्रमण आप आगे फैला नहीं पाओगे। तो आगे आने वाले समय में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो पॉजिटिविटी की रेट भी कम होगी, जो पॉजिटिविटी की चेन है वो भी ब्रेक होगी, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो और भी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्थितियाँ अच्छी होंगी, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आप लोगों के लिए जुटाई, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ में, उन परिवार के सदस्यों के साथ में इसको शेयर करें जो इन चीज़ों से घबरा रहे हैं और इसी तरीके से जुड़े रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।